गुड मॉर्निंग सबको। तो अभी सुबह के है ना 7 बज रहे हैं। तो मेरी नानी रुकी थी नाइट में हॉस्पिटल, तो अभी वो घर पे आ चुकी है। अभी वो खाना वाना बनाएगी, तो अभी हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मैं पापा को उठा देती हूँ पहले। पापा पापा चलो ना हॉस्पिटल जाना है ना, नानी आ गई है घर पे। तो रेडी हो ये पापा, चलो जल्दी। चलो पहुंच गए अभी हम हॉस्पिटल। क्या क्या कर रहे हैं सब लोग? बेबी को है ना सबसे कंफर्टेबल सुलाने का देसी तरीका, बेड के नीचे है ना ऐसे झूला बांध दो। कौन कौन है जिसके घर में बेबी है वो ऐसे बेड के नीचे झूला बांधता है, बताना मुझे कमेंट पे। देखो ना बेबी भी कितना सोया है। क्यों? और एक क्लास लेंगे फिर जाएंगे घर पे। अरे पापा कब से आप ही ले रहे हो, एक दो ना मेरे को भी, मैं भी चूंगी। वैसे भी मुँह उसको चुभ रही हूँ। चला जाओ ऐसे ऐसे ना। उसने भी बहुत तकलीफ दिया वाला है ना हमको, तो हम तो उसको तकलीफ दे ही सकते हैं। नहीं ना पापा, बस हो गया ना। तेरी मम्मा उड़ गई तो हम तो चिल्लाएंगे। तो हाँ बेबी अगर उड़ गया तो आवाज नहीं करने का, शांति से कहने का। तुम जा पप्पी देने की, आ जा। पापा कितनी ले रहे हो आप, मैंने तो एक ही लिया। मैं जाता हूँ। बाय। रेस्टोरेंट से ना कुछ खाने के लिए लेके आता है। रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए लेके आता है ना। ये आ गया हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट स्माइल। हम यहाँ पर वैसे हमेशा आते हैं। हाय गुड मॉर्निंग। डोसा भी लेने का क्या? तो उत्तप्पा मम्मी के लिए, उपमा मम्मी के लिए, अपन डोसा खा लेंगे। ठीक है। खुशबू तो कैसे बढ़िया आ रही है, मस्त आ रही है ना सुबह सुबह खुशबू। चलो 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 जल्दी से जाके खाएंगे हम। दिन भर एक्टिव रहने के लिए हेल्दी हार्ट का होना जरूरी है और मजबूत जॉइंट्स का होना भी जरूरी है। तो हेल्दी हार्ट और जॉइंट्स के लिए मैं यूज करती हूँ वाव लाइफ साइंस के ओमेगा 3 कैप्सूल। तो ये ओमेगा 3 कैप्सूल हेल्प करते हैं आपके बॉडी जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए और आपके हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन आपके हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है और ये आपके ब्लड में से ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करता है और आपके जॉइंट पेन को कम करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये ओमेगा 3 कैप्सूल हेल्प करते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। इसकी एक कैप्सूल आपको मॉर्निंग में लेनी है और एक कैप्सूल आपको इवनिंग में लेनी है पानी के साथ। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड विद EPA एंड DHA हेल्थ फ्रेंडली रेशियो में, जो आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। और मैं वाव के प्रोडक्ट इसलिए भी यूज करती हूँ क्योंकि वाव के प्रोडक्ट कोई भी हार्मफुल केमिकल से नहीं बनते हैं और ये सॉफ्ट जेल लेने के बाद में आपको फिशी टेस्ट नहीं आएगा। तो ये QR कोड को स्कैन करके आप इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो। वाव के सारे प्रोडक्ट आपको वाव की वेबसाइट पे से मिल जाएंगे और इजी शॉपिंग के लिए आप वाव का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो वाव लाइफ साइंस का ओमेगा 3 जरूर ट्राई करना। आगे हम लोग हॉस्पिटल। चलो वो नारियल पानी ले लेना पापा। मम्मा के लिए ना हमने उत्तप्पा लाया क्योंकि मम्मा को उत्तप्पा खाने का मन कर रहा था। मम्मा कैसा है टेस्ट? और हमारे लिए हमने डोसा लाया। खोल तो दे इसको। ये जो बेबी है उसको बोला है डॉक्टर ने कि है ना उसको धूप दिखानी है, तो पापा और मैं ना उसको धूप दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। इधर इधर बैठेंगे ना, यहाँ पे ना इतनी सी धूप में। बेचारा इधर इधर उठ जाएगा पापा, उसको धूप लगेगी तो। तू सरक सरक पीछे सरक। हाँ। ये भी निकाल दूँ। हाँ बस
सब निकालने का, धूप पूरी धूप लगेगी। फिर भी सोया हुआ है वो, उसको थोड़े रैशेस हो गए ना, इसलिए ना उसको धूप जरूरी है। हाँ। स्किन के हर इलाज के लिए धूप जरूरी है, धूप जरूरी है। हाँ। ओम नमो सूर्य नारायण, बरसो अभी इसके ऊपर। हंसना, हमारे घर में आने वाला हर मेंबर सिर्फ हंसते रहना चाहिए, मुंह लटका के बैठना अलाउड नहीं है, समझा गया तू? समझा गया? आके तो खोल। तो हमने ना यहाँ से मेडिकल लिया था, तो इनकी पेमेंट करना बाकी रह गया था, तो मैं ना इनकी पेमेंट कर देती हूँ। अभी है ना पापा के फ्रेंड आए हुए हैं, और पापा ने ना हमें कटाने के लिए बहुत सारे आइसक्रीम और कोन लेके दिए। अभी पापा पता नहीं कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो पापा? कहीं नहीं, ये तुम आइसक्रीम लो ना, तुम जाओ हॉस्पिटल और आइसक्रीम लो। कैसे, क्या कभी तो नहीं लेके देते इतनी सारी आइसक्रीम? हमारे लिए तो अभी क्या करो, तुम चले जाओ फिर, हम जाते हैं। कहाँ? हम तो थोड़ा जाने का था बाहर। हम जा रहे थे अब्दुल के शॉप पे जा रहे हैं, हम सोडा पीने के लिए। चलो 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 चलो। पापा और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल, शायद से आज ही मम्मी को है ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, और फिर बेबी और मम्मा दोनों घर पे आने वाले हैं। चल अभी देखते हैं मेरा भाई, छोटू भाई और मम्मी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हथकार दूध पी रहा है, दूध। चिकू एक बार देख तो। पी और मम्मा दोनों सो गए, इसलिए मैं शांति से बात कर रही हूँ। देखो इसको, आज तेरा ये कपटी और स्वार्थी दुनिया में पांचवा दिन है, समझा? मेरा बच्चा है, देखो इसको, छोटू छोटू भाई। दुनिया कपटी थी, कपटी है और कपटी ही रहेगी। डिस्चार्ज हो गया अभी। हाँ, डिस्चार्ज अभी हो चुका है, तो अभी हम बेबी और मामा को दोनों को घर पे लेके जा सकते हैं। उसको जॉन्डिस हुआ है, उसकी आंखें देखे से पीली पीली हो गई, नाक भी पीला है, आंखें पीली हो गई, स्किन उसकी पीली पीली पड़ रही है अभी। तो डॉक्टर ने बोला है ना उसको धूप में लेके बैठना है सुबह, अभी कल से उसको धूप में डाल देंगे, समझा? क्या धूप में बैठेंगे हम दोनों मिलके, ठीक है? धूप में पड़े रहने का, आलसी के जैसे, ठीक है? अभी बस तू घर पे चल, मजा आ जाएगा घर पे जाने के बाद में। अभी डॉक्टर का पेमेंट करना है ना, तो कितना किया हुआ था पहले और अभी कितना करना है? पहले जो किया था वो हो गया, अभी और 25,000 और बाकी है। तो जाके करके आ देगी तू पेमेंट? हाँ मैं करके आ जाती हूँ। कैश देना है? कैश दे दो ना। अच्छा चलो ठीक है, देखो मैं देख के आ जाती हूँ, है ना चिक्कू? चलो मैं जाती हूँ, ये पेमेंट करके आ जाती हूँ पहले। चलो 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 चलो, फाइनली अभी घर जाने का है। एक मैं तो पैक करती हूं अच्छे से, ये नहीं मैं ले लेता गाड़ी पैक करने। चल चल चल, गाड़ी में कैसे आएगा? पापा कर लो ना। पर आले चिक्कू, चलो अभी घर पे जाने का है चिक्कू को, चिक्कू घर पे जाएगा, मैं ले लेती। प्यारे बच्चे घर चलो, फर्स्ट टाइम घर पे चलने का। और बताना घर कैसे लगा? 5 दिन में तो उसने यही सोच लिया होगा कि यही उसका घर है। चलो 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 चलो, आ जाओ बैठो। बाय मम्मी। मम्मी कहूँ ही नहीं दिख रहा अभी, मम्मी मस्त गाड़ी में बैठेगी, एसी में। बेबी तो कब का बैठ गया। छोटू बेबी पीछे बैठेगा, गर्म हो रहा है। हम निकल गए बेबी को घर पे लेके जाने के लिए। घर पे है ना बेबी का एकदम धूमधाम से स्वागत होने वाला है, सबने एकदम धूमधाम से तैयारी करके रखी है घर। अब ये कोरोना का चल रहा ना, इसलिए सब शांत है, नहीं तो
हम बैंड वाले हैं, बुला लेते हैं। हाँ, बैंड बैंड बजा के बेबी का स्वागत करते घर पे। और क्या है, आज वैसे भी सैटरडे है ना, आज तो आज लॉकडाउन भी अपने सैटरडे और संडे औरंगाबाद सिटी में है ना, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद रहता है। हम पहुँच गए तो बेबी को भी पापा लेने वाले। यहाँ पे पहले बार अपना बच्चा बेबी अभी अपने गैंग में कितने लोग हो गए बच्चे? वो किसके गैंग में रहेगा बच्चे, किसकी टीम में रहेगा वो? उनके टीम में बॉयज है ना, वो तो बॉय है ना, वो तो बॉयज की टीम में आएगा ना, हमारे वो हमारे टीम में आएगा, बॉयज की टीम में आएगा। बात-बात पे इमोशनल हो रहा है। वो गर्ल्स की टीम में तेरी दीदी और मम्मा वो दोनों हो जाएंगे और हम तीनों एक टीम में हो जाएंगे, ठीक है? नहीं, अभी 6 महीना उसको इधर रहने दे हमारी टीम में। नहीं नहीं, उसके बाद बड़ा। बस और कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना बच्चे? नीचे रखा। हाँ। बात तो कर तू बेबी। हाँ। से वो हमारे टीम में रहेगा, है ना बच्चे? चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी बेबी घर पे आ चुका है तो सब लोग बहुत खुश है। और हाँ, मैं बताती हूँ ये कैसे सूझ गया। मेरी जो क्लिप है ना, उसकी तार है ना, वो ऐसे उखड़ के इधर आ गई थी, तो वो अंदर से बहुत छाले पड़ गए, तो एक गाल ना पूरा सूझ गया और ये होंठ भी सूझ गया। तो इग्नोर दिस, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।